नमस्कार बच्चों, मैं संजय किशोर शर्मा प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा। जैसा कि आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो भी पिछले उसमें वीडियो में चर्चा की थी, प्राथमिक स्तर पर जब हम चित्रकला बच्चों को सिखाते हैं तो वो चार पार्टों में विभक्त होती है। पहला पार्ट होता है उसका चित्रकला, दूसरा होता है साहित्यिक कला, तीसरा होता है नृत्य संगीत का पार्ट होता है, और चौथा पार्ट होता है उसका मूर्तिकला का पार्ट। तो इन पार्टों में जब हम कक्षा एक से लेकर दो तक के विद्यार्थियों को कुछ आकृतियां स्वतः आकृति बनाने के लिए देते हैं, वैसे ही कक्षा तीन से लेके कक्षा चार तक के विद्यार्थियों को हम प्रतीकात्मक चित्र बनाने के लिए देते हैं। अब हमारी अगली कक्षा शुरू होती है प्राथमिक की, कक्षा पांच। कक्षा पांच का कला पाठ्यक्रम, इसमें क्या होता है कि जैसा कि हमने बताया था कि बच्चों का पहला पार्ट जो होता है वो होता है चित्रकला का। तो चित्रकला में बच्चों के लिए बताएंगे, पहला पार्ट चित्रकला में उनको लिए बताएंगे रंग कैसे होते हैं और रंगों का प्रयोग कैसे होता है, और रंग के मिलने से कौन सा रंग बनता है, और कौन से रंगों का हम प्रयोग किस चित्र में करेंगे। जैसे कि अगर हम कोई शेप बनाते हैं, कोई शेप का आकार देते हैं, कोई ऐसा आकार देते हैं शेप का, तो इसमें कौन सा रंग आएगा, या एक टमाटर का आकार देते हैं तो इसमें कौन सा रंग आएगा, या कोई अंगूर का आकार देते हैं अंगूर का आकार देते हैं तो इसमें कौन सा रंग आएगा। तो इन्होंने जैसे कि हमें सेम में नारंगी कलर थोड़ा देना है, इसमें लाल कलर देना है, इसमें हरा रंग देना है, तो ऐसे उन लोगों के लिए कक्षा पांच के विद्यार्थियों को रंगों का बोध होना आवश्यक है, जिससे कि वो रंगों को पहचान कर सके और इनको मिला के नए रंग तैयार कर सके। ये चित्रकला के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है साहित्यिक कला। तो साहित्यिक कला में बच्चों का बोध होता है कहानियों के माध्यम से, उनको कम से कम चार पांच पांच कहानियां याद करने के लिए दी जाती हैं। इन कहानियों का मतलब बताओ, इन कहानियां में जैसे हम किसी कहानियों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारी स्मृति पर वही चित्र बनना शुरू हो जाते हैं। हम सोचते हैं ऐसा हो रहा होगा, ऐसा होता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है, ऐसा हम देख सकते हैं, वैसे वैसे हमें स्मृति में वही चित्र चलना शुरू हो जाते हैं। तो उन चित्रों को बनाना, इसको बोलते हैं मेमोरी आर्ट। तो बच्चों को इस तरह का ज्ञान भी कराना है। अगला पार्ट आता है आपका पहला चित्रकला, दूसरा साहित्यिक, और तीसरा आता है आपका नृत्य नाट्य और संगीत, जिसमें कि तबला तंबूरा सितार बांसुरी वीणा और विभिन्न प्रकार की तबला हारमोनियम विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, उन वाद्य यंत्रों को बनाना, चित्रों को माध्यम से बनाना, उनको बताना कि फलाना वाद्य है, फलाना यंत्र है, बनाने का है, ये बजाने का है, और मैं कौन सा संगीत निकलता उनको बजाकर दिखाना, ये संगीत का जो उसका तीसरा पार्ट होता है उसमें आता है। अगला आता है आपका मूर्तिकला। मूर्तिकला में आता है जैसे मैं अभी पहले बताया था कि मूर्तिकला में बच्चों को ठोस आकृतियां बनाई जाती हैं, उनमें कोई एक रंग भरा जाता है, लेकिन कक्षा पांच तक विद्यार्थी आते आते उन रंगों में छाया प्रकाश देना शुरू करता है। जैसे कोई फल जैसे सेब में रंग भरा हुआ है,
कोई फल बनाया आपने, मिट्टी का रंग बना हुआ है तो उसमें हल्का सा ऑरेंज भी है, रेड भी है और जो थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी है। ऐसे ही टमाटर में ऐसे कि इसमें रेड भरा हुआ है तो इसमें डंठल में ग्रीन रंग होना चाहिए, पत्तियों में ग्रीन रंग होना चाहिए। ऐसे ही इसमें वृद्ध साइड का कलर होना चाहिए, कत्थई रंग होना चाहिए, यहाँ ग्रीन होना चाहिए, हल्का सा येलो होना चाहिए। ये सब मिश्रण से कलर बनाकर मूर्तियों पे पेंट कर सकते हैं। ये आता है मूर्ति कला में। और इसी के अनुसार बच्चों में एक ज्ञान और कराते हैं, वो होता है कि अंकों के माध्यम से बच्चों को सिखाना। बच्चों में कक्षा 5 में कहीं कहीं बच्चों में रुचि नहीं होती है, तो जब अंकों के माध्यम से या किसी चीज के माध्यम से, किसी गेंद के माध्यम से, गेंद के अक्षरों को लिखकर या उनके आकार बनाकर, ए फॉर एप्पल बताते हैं, आ फॉर अनार बताते हैं, तो ऐसे ही हम जब किसी के प्रति कला के प्रतिबिंब के रूप में बताते हैं, बच्चों में ज्यादा जल्दी सीखने की कला आती है, बच्चे जल्दी सीखते हैं, प्रतीकात्मक चीजों से बच्चे जल्दी सीखते हैं। जैसा कि अंकों के द्वारा बताते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 तक के अंकों में भी बच्चों को बता सकते हैं कि कौन से अंक से हम कौन सी चीज बना सकते हैं, जिससे हमें कला का बोध हो और कला में रुचि उत्पन्न हो। जैसे कि नंबर 1, इसको बोलते हैं नंबर एक में हम बना सकते हैं, जैसे कि इसमें इस आकृति को हम थोड़ा बढ़ाते हुए ये जोड़ दी और इसको इस तरह से एक जहाज का रूप बना सकते हैं नंबर 1 से। ऐसे ही नंबर 2 लेते हैं, नंबर दो का आकार लेते हैं। नंबर 2 में हम बताते हैं कि बच्चों से बोल सकते हैं कि इस तरह से आकार लेते हुए ऐसे ये नंबर 2 में ऐसे बना सकते हैं। ऐसे ही अगला पॉइंट लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 का अंक होता है, इसको इंग्लिश में 3 बोलते हैं। इस तरह की आकृति दे सकते हैं। ऐसे ही नंबर 4 में नंबर 4 में
इस तरह की चार आकृतियां 1, 2, 3, 4 ऐसी आकृतियां बना के बता सकते हैं। इसी तरह बहुत सी आकृतियां होती हैं जैसे कि हम बच्चों को बना बना के सिखा सकते हैं। यही हमारा कक्षा 5 का कला का पाठ्यक्रम होगा। इसके बाद आगे हम आपको उच्च प्राथमिक पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे। नमस्कार।